अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम योर टीचर शहबाज। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.5। सारी मुकम्मल एक्सरसाइज करेंगे आज। तो एक्सरसाइज करने से पहले एक डेफिनेशन करते हैं कम्प्लेक्स नंबर। तो एक्सरसाइज 2.5 इज़ अबाउट कम्प्लेक्स नंबर। तो कम्प्लेक्स नंबर की आसान सी डेफिनेशन है, क्या होती है? अ नंबर ऑफ द फॉर्म ए प्लस बी आयोटा। ये आई लिखा हुआ, आई को क्या पढ़ना है? आयोटा। तो ए प्लस बी आयोटा, वी आर ए एंड बी आर रियल नंबर्स। आर क्या? सेट ऑफ रियल नंबर्स है। तो ए और बी क्या है? रियल नंबर्स हैं। ए प्लस बी आयोटा में ए और बी रियल नंबर्स हैं। और आयोटा जो होता है, आयोटा की वैल्यू क्या होती है? स्केयर रूट माइनस वन। आयोटा की वैल्यू होती है स्केयर रूट माइनस वन। अ नंबर ऑफ द फॉर्म ए प्लस बी आयोटा, वी आर ए एंड बी आर रियल नंबर्स एंड आयोटा इज इक्वल टू स्केयर रूट माइनस वन इज कॉल्ड अ कम्प्लेक्स नंबर डिनोटेड बाई जेड। जो कम्प्लेक्स नंबर्स हैं उनको जेड के साथ डिनोट करते हैं, कम्प्लेक्स नंबर को जेड के साथ डिनोट करते हैं। दस जेड इज इक्वल टू ए प्लस बी आयोटा। तो ये कम्प्लेक्स नंबर का सिंबल होता है, वो क्या होता है? जेड। जेड इज इक्वल टू ए प्लस बी आयोटा। तो आयोटा की वैल्यू क्या होती है? स्केयर रूट माइनस वन। आयोटा की वैल्यू, आयोटा इज इक्वल टू स्केयर रूट माइनस वन। तो दोनों साइड का आप स्केयर ले लें तो क्या बनेगा? आयोटा स्केयर इज इक्वल टू, इसका स्केयर लेंगे तो यह स्केयर रूट कैंसिल हो जाएगा। स्केयर और स्केयर रूट एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। तो आयोटा स्केयर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? माइनस वन। तो ये आपने याद रखना है, आयोटा स्केयर इज इक्वल टू माइनस वन, आयोटा इज इक्वल टू स्केयर रूट माइनस वन। ये आपने हमेशा याद रखना है। जब क्वेश्चन करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, तो ये आयोटा स्केयर की वैल्यू माइनस वन बार बार यूज़ होगी। उसके बाद आपने क्या याद रखना है? इवन नंबर कौन से होते हैं? तो जो सेट ऑफ इवन नंबर्स है, ये भी इसी एक्सरसाइज में यूज़ होंगे, इसे बता रहा हूँ। तो इवन नंबर कौन से हैं? ज़ीरो, प्लस माइनस टू। प्लस माइनस टू का मतलब प्लस टू और माइनस टू। प्लस टू भी इवन नंबर है और माइनस टू भी इवन नंबर है। ये सब प्लस माइनस फोर, प्लस फोर भी इवन नंबर है, माइनस फोर भी इवन नंबर है। प्लस माइनस सिक्स, प्लस सिक्स भी इवन नंबर है, माइनस सिक्स भी इवन नंबर है। इसी तरह आगे प्लस माइनस एट, प्लस माइनस नाइन एंड सो ऑन। तो ज़ीरो, प्लस माइनस टू, प्लस माइनस फोर, प्लस माइनस सिक्स एंड सो ऑन, ये सारे के सारे इवन नंबर्स हैं। उसके बाद है ऑड नंबर्स। तो ऑड नंबर कौन से होते हैं? प्लस माइनस वन, यानी प्लस वन भी ऑड नंबर है, माइनस वन भी ऑड नंबर है। प्लस माइनस टू, ये दो नंबर्स हैं, प्लस टू ऑड नंबर है, सॉरी ऑड नंबर में प्लस माइनस टू नहीं आता है। ऑड नंबर में प्लस माइनस वन, प्लस वन भी ऑड नंबर है, माइनस वन भी ऑड नंबर है। प्लस माइनस थ्री, प्लस थ्री भी ऑड नंबर है, माइनस थ्री भी ऑड नंबर है। इसके बाद क्या आएगा? प्लस माइनस फाइव। इसके बाद क्या आएगा? प्लस माइनस फाइव। तो प्लस फाइव भी ऑड नंबर है और माइनस फाइव भी ऑड नंबर है। तो इसके बाद क्या आएगा? प्लस माइनस सेवन, फिर प्लस माइनस नाइन एंड सो ऑन। तो ये वाले जो ऑड नंबर्स हैं वो क्या हैं? प्लस माइनस वन, प्लस माइनस थ्री, प्लस माइनस फाइव, प्लस माइनस सेवन एंड सो ऑन। ये सारे के सारे ऑड नंबर्स हैं, इनका आपने अच्छी तरह याद रखना है। इवन नंबर में ज़ीरो, टू, फोर, सिक्स, एट, ये इवन नंबर्स हैं। ऑड नंबर्स में वन, थ्री, फाइव, सेवन, नाइन, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी, ये सारे के सारे ऑड नंबर्स हैं। और आपने क्या याद रखना है? अगर माइनस वन की पावर कोई भी इवन नंबर आ जाए, अगर माइनस वन की पावर कोई भी इवन नंबर आ जाए तो इज इक्वल टू क्या होगा? प्लस वन। माइनस वन की पावर अगर कोई भी इवन नंबर आ जाए, इवन नंबर ये वाले, इनमें से कोई भी नंबर आ जाए तो क्या होगा? प्लस वन। अगर माइनस वन की पावर कोई भी ऑड नंबर आ जाए, माइनस वन की पावर कोई भी ऑड नंबर आ जाए तो वो आंसर क्या होगा? माइनस वन। ये वाले ऑड नंबर्स हैं। माइनस वन की पावर में इनमें से कोई भी नंबर आ जाए, तो माइनस वन की पावर में इनमें से कोई भी नंबर आ जाए तो आप क्या लिखेंगे? माइनस वन। जैसे एग्जांपल है, माइनस वन की पावर ज़ीरो, माइनस वन की पावर ज़ीरो, तो ज़ीरो इवन नंबर है, ये तो ज़ीरो क्या है? इवन नंबर है। तो माइनस वन की ज़ीरो, माइनस वन की पावर ज़ीरो इज इक्वल क्या होगा? प्लस वन। ये माइनस वन की पावर टू, टू इवन नंबर है, ये देखें टू इवन नंबर है, तो माइनस वन की पावर टू, टू पावर इवन है, इसी है प्लस वन। फिर माइनस वन की पावर फोर, फोर भी इवन नंबर है, तो माइनस वन की पावर जब इवन नंबर आ जाए तो इज इक्वल क्या लिखेंगे? प्लस वन। फिर इस तरह माइनस वन की पावर माइनस सिक्स, तो सिक्स इवन नंबर है, माइनस सिक्स भी इवन नंबर है, सिक्स इवन नंबर है तो माइनस सिक्स भी इवन नंबर है। तो माइनस वन की पावर इवन नंबर है, इसलिए क्या होगा? प्लस वन। इसी तरह माइनस वन की पावर वन, माइनस वन की पावर वन, तो वन जो है वो क्या है? ऑड नंबर है। तो जब माइनस वन की पावर ऑड नंबर होगा इज इक्वल क्या होगा?
माइनस वन, फिर माइनस वन की पावर माइनस वन, तो माइनस वन भी आठ नंबर है इज इक्वल टू माइनस वन। फिर माइनस वन की पावर थ्री, थ्री आठ नंबर है, तो जब भी माइनस वन की पावर कोई आठ नंबर होगा इज इक्वल टू क्या लिखेंगे माइनस वन। जब भी माइनस वन की पावर कोई आठ नंबर होगा तो इज इक्वल टू क्या लिखेंगे माइनस वन। तो ये चीज़ें आपने याद रखनी है, ये सारी चीज़ें इस एक्सरसाइज में यूज़ होंगी। तो क्वेश्चन नंबर वन है, क्वेश्चन नंबर वन क्या एवेल्युएट, क्वेश्चन नंबर वन क्या एवेल्युएट, एवेल्युएट का क्या मतलब होता है फाइंड द वैल्यू ऑफ, एवेल्युएट का क्या मतलब होता है इसकी कीमत मालूम करनी है, फाइंड द वैल्यू ऑफ, एवेल्युएट मीन्स फाइंड द वैल्यू ऑफ, लिख लें फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ, तो इसकी कीमत मालूम करें, एवेल्युएट का इसकी कीमत। तो फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर वन का, फर्स्ट पार्ट है आयोटा की पावर सेवन है, इसको आपने सिंप्लीफाई करना है, आयोटा की पावर सेवन है इसको आपने सिंप्लीफाई करना है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो कैसे करना है, जब भी आयोटा की पावर को आपने सिंप्लीफाई करना है तो सबसे पहले आपने देखना जो पावर है इवन है या आड है। जब भी आपने आयोटा की पावर को सिंप्लीफाई करना है तो सबसे पहला काम जो करना है वो आपने क्या देखना है, आयोटा की जो पावर है वो इवन है या आड है। तो आयोटा की पावर सेवन है, सेवन आड नंबर है, सेवन क्या होता है आड नंबर होता है, जब भी आड नंबर होगा तो उसका हम लिख लेंगे, उसका दो हिस्से निकाल लेंगे, वन एक हिस्सा वन करेंगे बाकी वन प्लस क्या हो जाएगा सिक्स। जब भी आयोटा की पावर सेवन होगी या आठ कोई भी आठ नंबर होगा तो आठ नंबर के हम दो हिस्से करेंगे, वन प्लस उसके जो सेवन के करीब कौन सा नंबर सिक्स, वन प्लस सिक्स इज इक्वल क्या होता है सेवन। तो आयोटा की पावर वन अलग कर लेंगे, आयोटा की पावर सिक्स अलग कर लेंगे, इसका हम फिर जूँ लिख लेंगे आयोटा की पावर वन मल्टीप्लाइड बाई आयोटा की पावर सिक्स। आयोटा की पावर सेवन है, सेवन आठ नंबर है, तो हमने क्या करना है सेवन के हमने दो हिस्से कर लेने हैं वन और सिक्स, तो वन प्लस सिक्स सेवन होता है, वन प्लस सिक्स सेवन होता है, इसलिए हम सेवन के दो हिस्से कर लेंगे, आयोटा की पावर वन और फिर आयोटा की पावर सिक्स, वन प्लस सिक्स सेवन ही होगा। आयोटा की पावर वन को आयोटा ही लिख देंगे, आयोटा की पावर वन को हम आयोटा लिख देंगे। तो जब आयोटा की पावर इवन नंबर बन जाएगा, सिक्स क्या है इवन नंबर है, जब आयोटा की पावर इवन नंबर बन जाए, जब आयोटा की पावर इवन नंबर बन जाए तो आप क्या करेंगे सिक्स इज इक्वल टू क्या होगा टू मल्टीप्लाइड बाई थ्री, सिक्स इज इक्वल टू क्या होता है टू टाइम्स थ्री, सिक्स क्या होता है टू टाइम्स थ्री। तो अब जब आयोटा की पावर इवन नंबर होगा फिर हम उसके दो पावर बना लेंगे, जब आयोटा की पावर इवन नंबर होगा फिर हम इसको क्या करेंगे टू टू से डिवाइड कर लेंगे, इवन पावर का हमने क्या करना है टू से डिवाइड कर दें, तो डिवाइड करने से क्या थ्री आ जाएगा, सिक्स डिवाइडेड बाई टू क्या होगा थ्री, तो इसके हम दो पावर बना लेंगे टू और थ्री, इसकी दो पावर बना लेंगे टू और थ्री, मैं टू थ्री इज आर सिक्स। जब भी आयोटा की पावर इवन नंबर होगा आप इसके इसके दो पावर बना लिए, इसके सिक्स का जो भी इवन नंबर होगा उसे टू से डिवाइड करें तो क्या आता है सिक्स डिवाइडेड बाई टू क्या आता है थ्री आता है, तो एक पावर टू बन गई दूसरी पावर थ्री बन गई इज इक्वल टू आयोटा, वैसे लिख रहे हैं। अब हमें पता है आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है माइनस वन, आयोटा स्क्वायर हमने क्यों बनाया ताकि हम इसकी वैल्यू पुट कर दें, आयोटा की पावर हमने टू क्यों बनानी है ताकि हमें आयोटा की स्क्वायर की वैल्यू का हमें पता है आयोटा स्क्वायर की वैल्यू माइनस वन है इसलिए हम आयोटा स्क्वायर बनाते हैं, तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू माइनस वन पुट कर दें माइनस वन और फिर पावर इसकी थ्री लिख दें। अब हम इज इक्वल टू आयोटा, अब माइनस वन की पावर थ्री आठ नंबर है, माइनस वन की पावर थ्री है और थ्री क्या है आठ नंबर है, तो जब भी माइनस वन की पावर आठ नंबर हो तो क्या लिखते हैं माइनस वन, जब भी माइनस वन की पावर आठ नंबर हो तो उसका आंसर इज इक्वल टू क्या होता है माइनस वन। अब आयोटा का माइनस वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस आयोटा, आयोटा को माइनस वन से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा माइनस आयोटा, तो ये आपका आंसर आ गया। उम्मीद है आपको इसकी बड़ी अच्छी तरह समझ आ गई होगी। सेकंड पार्ट है इसी क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर वन का सेकंड पार्ट है आयोटा की पावर 50 है, आयोटा की पावर 50 है, तो सबसे पहले हमने क्या देखना है पावर देखनी है, पावर 50 है तो 50 इवन है या ऑड है, इवन नंबर है, इवन नंबर कौन से होते हैं जो टू से डिवाइड हो जाते हैं, इवन नंबर कौन से होते हैं जो टू से डिवाइड हो जाते हैं, 50 को टू से डिवाइड कर 25 आ जाएगा, तो 50 इवन नंबर है। अगर इवन पावर होती है फिर उसको टू से डिवाइड करते हैं तो 50 डिवाइडेड बाई टू कितना आ जाएगा 25, 50 को टू से डिवाइड करें क्या आ जाएगा 25, तो अभी आयोटा की दो पावर बना लेंगे, क्या बनाएंगे एक टू और दूसरी 25। जब भी आयोटा की पावर इवन नंबर होगा तो फिर इवन नंबर को टू के साथ डिवाइड करेंगे, तो 50 का टू से हमने डिवाइड किया तो क्या आ गया टू, 50 डिवाइड बाई टू क्या हो गया 25, 50 डिवाइड बाई टू कितना हो गया 25, तो हमने क्या
52 का हमने दो हिस्सों में लिख लिया, 20 और 25। अयोटा की दो पावर बना रही हैं, एक पावर 20, दूसरी पावर 25। अब अयोटा स्केयर की वैल्यू कितनी होती है? -1। अयोटा स्केयर की वैल्यू क्या होती है? -1 की पावर 25। अब 25 जो है वो क्या है? आठ नंबर है। 25 क्या है? आठ नंबर है। आठ नंबर के पास चाह क्या, जिसका 2 से डिवाइड के अंदर पूरा पूरा डिवाइड नहीं होगा। 25 को 2 से डिवाइड के अंदर फिर क्या आ गया? 12.5 आ जाएगा। जो पॉइंट में आ जाए वो इवन नंबर नहीं होता। तो ये -1 की पावर आठ नंबर है। जब ये -1 की पावर आठ नंबर हो तो क्या आंसर क्या आता है? -1। जब ये -1 की पावर आठ नंबर हो तो आंसर क्या आता है? -1। तो ये आपका आंसर आ गया -1। इसके बाद है थर्ड पार्ट है इसी क्वेश्चन का। तो थर्ड पार्ट में क्या क्या आ रहा है? वो आयोटा की पावर है 12। आयोटा की पावर है 12। अब फिर जो 12 है वो क्या है? इवन नंबर है। 12 क्या है? इवन नंबर है। तो 12 को 2 से डिवाइड करें तो क्या आएगा? 6। 12 डिवाइड बाई 2 क्या होगा? 6। आयोटा का क्या लिखेंगे? 2 और 6। 12 को 2 से डिवाइड करने से 6 हो गया। आयोटा का हमने दो पावर बना ली, आयोटा की पावर 2, फिर पावर 6। अब आयोटा स्क्वायर की रिजल्ट क्या होता है? -1। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 पावर उसके ऊपर 6 आ गई। अब -1 के पास 6 है और 6 इवन नंबर है। 6 क्या? इवन नंबर है। तो जब भी -1 के पास कोई इवन नंबर हो तो वो क्या बन जाता है? +1। जब भी -1 के पास कोई इवन नंबर हो तो वो क्या बन जाता है? +1। तो ये आपका आंसर आ गया +1। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट है इसी क्वेश्चन का। नेक्स्ट पार्ट पार्ट नंबर 4 है। तो क्या लिखा है? -8। तो माइनस का मतलब होता है -1। -1 मल्टीप्लाइड बाई आयोटा पावर 8। माइनस आयोटा की पावर 8 है तो इसका क्या मतलब होता है? -1 मल्टीप्लाइड बाई आयोटा की पावर 8। अब दोनों की पावर 8 है, -1 की पावर भी 8 है, आयोटा की पावर भी 8 है। तो -1 की पावर 8 फिर मल्टीप्लाइड बाई आयोटा की पावर 8। -1 ये माइनस आयोटा है तो उसका हमने क्या लिख लिया? -1 मल्टीप्लाइड बाई आयोटा फिर पावर 8। और 8 जब -1 की पावर भी 8 है, आयोटा की पावर भी 8 है तो इसको हम अलग अलग कर लेंगे। -1 की पावर 8 अलग लिख लिया, आयोटा की पावर 8 अलग लिख दिया। अब -1 की पावर 8 क्या है? इवन नंबर है। 8 क्या है? इवन नंबर है। जब ये -1 की पावर इवन नंबर होता है तो क्या बन जाता है? +1। जब ये -1 की पावर इवन नंबर होता है क्या बन जाता है? +1। तो +1 मल्टीप्लाइड। अब फिर आयोटा की पावर 8 है, तो आयोटा की पावर 8 है तो क्या करेंगे? 8 को 2 से डिवाइड करेंगे, क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। 8 डिवाइड बाई 2 क्या आ जाएगा? 4। तो 2 4 8, तो 2 पावर इसकी एक पावर 2 बना लेंगे, दूसरी पावर 4 बना लेंगे। जब भी आयोटा की पावर इवन होती है फिर उसका हम 2 के साथ डिवाइड कर लेते हैं, 8 ओवर 2 क्या होगा? 4। तो आयोटा की दो पावर बन गई, एक पावर 2 बन गई, दूसरी पावर 4 बन गई। अब 1 के साथ मल्टीप्लाई करने से 1 खत्म हो जाएगा, 1 के साथ मल्टीप्लाई करने से 1 यही आ जाएगा। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या आती है? -1। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या आती है? -1। -1 फिर पावर इसकी हमने 4 लिख दी। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 लगा दी, फिर पावर ऊपर 4 लिख दी। अब 4 इवन नंबर है, 4 क्या है? इवन नंबर है। तो जब भी -1 की पावर इवन नंबर हो तो क्या आता है? +1। जब भी -1 की पावर इवन नंबर हो तो आंसर क्या आता है? +1। इसी तरह इसका पांचवा पार्ट है इसी क्वेश्चन का। पांचवा पार्ट -आयोटा की पावर 5। इसी तरह का सवाल है जैसे 4 है, तो इसमें -आयोटा का हम क्या लिखेंगे? -1 मल्टीप्लाइड बाई आयोटा और फिर पावर 5। -आयोटा का मतलब है -1 मल्टीप्लाइड बाई आयोटा फिर पावर उसके हमने 5 लिख दी। अब -1 की पावर भी 5 है, आयोटा की पावर भी 5 है, इसको लिखते हैं -1 की पावर 5 अलग अलग लिख देंगे, आयोटा की पावर 5। तो -1 की पावर 5 आठ नंबर है, 5 क्या है? आठ नंबर है। तो जब भी -1 की पावर आठ नंबर हो तो वह क्या हो जाता है? -1। जब भी -1 की पावर कोई भी आठ नंबर हो तो आंसर क्या आता है? -1 मल्टीप्लाइड आयोटा की पावर आठ नंबर आ गई है तो 5 तो 2 के साथ डिवाइड नहीं होता है। आयोटा की पावर 5 है तो 5 आठ नंबर है, जो आठ नंबर है वो 2 से पूरे पूरे डिवाइड नहीं होते। तो क्या करेंगे? 5 का हम दो हिस्से काट लेंगे, आयोटा की पावर 1, आयोटा की पावर 4। जब भी आयोटा की पावर आठ नंबर होती है तो उसमें से 1 अलग-अलग काट लेते हैं।
जब ये अयोटे की पावर आठ नंबर होती है तो उस पावर में से वन अलग कर लेते हैं। फाइव में से हमने वन अलग कर लिया तो वन प्लस फोर कितना होता है फाइव, वन प्लस फोर कितना होता है फाइव। अयोटे की पावर वन अलग लिख लिया है, फिर अयोटे की पावर फोर अलग लिख लिया है, तो माइनस वन को मल्टीप्लाई करें अयोटा के साथ क्या आ जाएगा माइनस अयोटा। माइनस वन को मल्टीप्लाई करें अयोटा के साथ क्या आ जाएगा माइनस अयोटा। अब अयोटे के पावर फोर तो फोर की है एवन नंबर है, अयोटे की पावर फोर फोर की है एवन नंबर है, तो उसका हम क्या लिखते हैं टू मल्टीप्लाई बाई टू। फोर को टू से डिवाइड करें क्या आ जाएगा टू आ जाएगा, फोर को टू से डिवाइड करने से टू आ जाएगा। जब पावर अयोटे के पास एवन नंबर होती है फिर हम उसके दो हिस्से कर लेते हैं, एक टू लिख देते हैं दो पावर बना लेते हैं। जब अयोटे की पावर एवन नंबर है फिर हम दो पावर बना लेते हैं टू टू ज़ार फोर, टू टू ज़ार फोर, तो अयोटे के पावर टू बना ली फिर पावर टू बना ली टू टू ज़ार फोर इसके इक्वल आ जाएगा इज इक्वल टू माइनस अयोटा। अब अयोटा स्क्वायर की वैल्यू लगा देंगे, अयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है माइनस वन, अयोटा स्क्वायर की वैल्यू माइनस वन, फिर पावर इसकी टू आ गई और टू क्या एवन नंबर है, टू क्या एवन नंबर है, तो जब माइनस वन के पावर कोई एवन नंबर हो तो वो क्या बन जाता है प्लस वन, जब माइनस वन के पावर कोई एवन नंबर हो तो क्या बन जाता है प्लस वन। तो माइनस अयोटा का प्लस वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा माइनस अयोटा। माइनस वन को अयोटा से मल्टीप्लाई करें, माइनस वन मल्टी को अयोटा वन के साथ मल्टीप्लाई करें क्या आ जाएगा आंसर क्या आ जाएगा माइनस अयोटा। उसके बाद है नेक्स्ट पार्ट है इसी क्वेश्चन का छठा पार्ट है पार्ट नंबर सिक्स। तो पार्ट नंबर सिक्स में क्या वो पूछ रहा है क्या बता रहा है, पार्ट नंबर सिक्स है इसका अयोटा की पावर 27, अयोटा की पावर 27। तो सबसे पहले क्या देखना है 27 इवन है या आड है, सबसे पहले क्या देखना है 27 इवन है या आड है, तो 27 टू से डिवाइड नहीं होता, 27 टू से डिवाइड नहीं होता, 30.5 आ जाएगा पूरा पूरा डिवाइड नहीं होता, तो 13.5 आ जाएगा। इससे जो 27 है वो इवन नंबर नहीं है बल्कि आड नंबर है, 27 इवन नंबर नहीं है बल्कि आड नंबर है। तो जब भी अयोटे के पावर कोई आड नंबर होता है तो उसमें क्या करते हैं उसमें से वन अलग कर लेते हैं, जब भी अयोटे के पावर आड नंबर होता है तो पावर में से वन अलग कर लेते हैं, तो 27 में से वन अलग कर लें अयोटे के पावर वन और बाकी कितना आ जाएगा 26, 26 प्लस वन कितना होता है 27 होता है। अब अयोटे के पावर वन को अयोटा ही लिखेंगे, अयोटे के पावर वन को पावर वन और फिर नहीं लिखते, जब पावर वन फिर वन को नहीं लिखते। अब 26 एवन नंबर है तो 26 को 2 के साथ डिवाइड करें तो क्या आएगा 13, 26 एवन नंबर है तो 26 को 2 से डिवाइड करें क्या आएगा 13 आ जाएगा। अयोटा की हम दो पावर बना लेंगे, अयोटा की दो पावर बना लेंगे 2 और 13, अयोटा की दो पावर बना लेंगे 2 और 13। अयोटा अब अयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है माइनस वन, अयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है माइनस वन, अयोटा स्क्वायर का माइनस वन लिख दिया और पावर उसकी 13 लिख दी। अब जो 13 है वो क्या है एवन नंबर या आड नंबर है, आड नंबर है, 13 क्या आड नंबर है, तो जब भी माइनस वन की पावर कोई आड नंबर होगा तो वह क्या होगा माइनस वन, जब भी माइनस वन की पावर कोई भी आड नंबर हो तो आंसर क्या आता है माइनस वन। तो अयोटा का माइनस वन से मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा माइनस अयोटा, अयोटा का माइनस वन के साथ मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा माइनस अयोटा, तो ये आपका आंसर आ गया। तो क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर वन के सारे पार्ट कर लिए हैं, उम्मीद है कि आपको तमाम पार्ट्स की बड़ी अच्छी तरह समझ आ गई होगी, इनको बार बार दो तीन दफ़ा खुद करें तभी कभी भी आपको नहीं बोलेंगे। क्वेश्चन नंबर वन कंप्लीट हो गया, फिर क्वेश्चन नंबर टू है, क्वेश्चन नंबर टू, तो क्वेश्चन नंबर टू क्या है राइट द कॉन्जुगेट, राइट द कॉन्जुगेट। Write the conjugate of following numbers. तो नंबर दिए हुए हैं, पहला पार्ट है इसका, फर्स्ट पार्ट क्या है 2 + 3 अयोटा, यह कम्प्लेक्स नंबर है तो जिस समय में अयोटा होता है वह कम्प्लेक्स नंबर होता है, 2 + 3 अयोटा कम्प्लेक्स, ये रियल नंबर नहीं है बल्कि कम्प्लेक्स नंबर है। तो कम्प्लेक्स नंबर की पहचान क्या होती है, जिस नंबर नंबर में अयोटा आ जाए वो कम्प्लेक्स नंबर होता है। तेरा कम्प्लेक्स नंबर है हमने क्या करना है इसका कॉन्जुगेट फाइंड करना है, इस कम्प्लेक्स नंबर का हमने कॉन्जुगेट फाइंड करना है। तो राइट द कॉन्जुगेट ऑफ द फॉलोइंग कम्प्लेक्स नंबर, तो ये कम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है इसका कॉन्जुगेट फाइंड करना है। तो 2 + 3 अयोटा, इसके ऊपर आप ये बार लगा दें, इसको क्या पढ़ते हैं लाइन क्या पढ़ते हैं बार, BAR बार, 2 + 3 अयोटा इसका आपने ये लाइन लगा दी, इस लाइन को आपने क्या पढ़ना है
बार, बी ए आर बार। तो इसे हम पढ़ते हैं कॉन्जुगेट ऑफ टू प्लस थ्री ऑटा, जो लाइन है जो बार है इसको हम क्या पढ़ते हैं, ये कॉन्जुगेट का सिंबल है। ये क्या है, जो लाइन है ये किसका सिंबल है, कॉन्जुगेट का सिंबल है। तो कॉन्जुगेट ऑफ टू प्लस थ्री ऑटा, कॉन्जुगेट ऑफ टू प्लस थ्री ऑटा। तो किसी कंप्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट फाइंड करने का क्या तरीका होता है, आयोटा के साथ जो नंबर रहता है उसका साइन चेंज कर देते हैं। जब भी आपने किसी कंप्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट फाइंड करना है तो क्या करते हैं, आयोटा के साथ जो नंबर है उसका साइन चेंज कर देंगे। आयोटा के साथ थ्री है और थ्री का साइन क्या है, प्लस है, तो इसको आपने सिर्फ चेंज कर दें, माइनस कर दें। तो टू वैसे ही आएगा टू, फिर प्लस को हमने क्या कर दिया, माइनस थ्री आयोटा, टू माइनस थ्री आयोटा। तो टू माइनस थ्री आयोटा इस कंप्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट है। तो कॉन्जुगेट फाइंड करने के लिए सिंपली आप आयोटा के साथ जो नंबर लिखा होता है उसका साइन चेंज कर देना, तो आपको उस कंप्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट मिल जाएगा। बड़ा आसान है, सेकंड पार्ट है। तो क्या नंबर दिया हुआ, थ्री माइनस फाइव आयोटा, यह नंबर है थ्री माइनस फाइव आयोटा। तो इस कंप्लेक्स नंबर का आपने कॉन्जुगेट फाइंड करना है। तो कंप्लेक्स नंबर की पहचान क्या होती है, उसमें आयोटा आ जाता है, जिस कंप्लेक्स जिस नंबर में आयोटा आ जाए वो वाला कंप्लेक्स नंबर होता है। तो थ्री माइनस फाइव आयोटा, थ्री माइनस फाइव आयोटा। तो ये कॉन्जुगेट का सिंबल है, इसके बाद जो लाइन लगा दी है ये इस कॉन्जुगेट का सिंबल है। तो इसको क्या पढ़ेंगे, कॉन्जुगेट ऑफ थ्री माइनस फाइव आयोटा, क्या पढ़ेंगे, कॉन्जुगेट ऑफ थ्री माइनस फाइव आयोटा। तो किसी कंप्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट कैसे फाइंड करते हैं, आयोटा के साथ जो नंबर होता है उसका साइन चेंज कर देते हैं। आयोटा के साथ कौन सा नंबर है, फाइव है, और फाइव का साइन क्या है, माइनस। तो जब इसका हम कॉन्जुगेट लेंगे तो माइनस साइन किसमें चेंज हो जाएगा, प्लस में। तो क्या आ जाएगा, थ्री प्लस फाइव आयोटा, क्या है, थ्री प्लस फाइव आयोटा। तो इसका हमने कॉन्जुगेट फाइंड कर लिया, थ्री प्लस फाइव आयोटा। भी तीसरा पार्ट है इसका, थर्ड पार्ट। तो क्या नंबर दिया हुआ है, माइनस आयोटा, नंबर दिया हुआ है माइनस आयोटा। तो इसका हमने कॉन्जुगेट फाइंड करना है, माइनस आयोटा, तो इसके ऊपर बार लगा देंगे, इसके ऊपर क्या लगा देंगे, बार। तो इसको पढ़ेंगे कॉन्जुगेट ऑफ माइनस आयोटा, क्या पढ़ेंगे, कॉन्जुगेट ऑफ माइनस आयोटा। तो आयोटा के साथ क्या माइनस साइन है, इसको हम चेंज कर दें तो क्या आ जाएगा, माइनस वन का मतलब प्लस वन, माइनस का मतलब है माइनस वन, ये माइनस आयोटा। तो आयोटा वाला जो हिस्सा है उसका हमने क्या करना है, साइन चेंज कर देना, क्या आ जाएगा, प्लस आयोटा। माइनस आयोटा का कॉन्जुगेट फाइंड करना है, तो कैसे फाइंड करेंगे, आयोटा के साथ जो भी साइन होगा उसका हम चेंज कर देंगे, ये माइनस साइन है तो ये चेंज होगा, क्या हो गया, प्लस में चेंज हो गया। तो प्लस आयोटा क्या है, कॉन्जुगेट है किसका, माइनस आयोटा का। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट है, पार्ट नंबर फोर। तो पार्ट नंबर फोर में क्या दिया हुआ है, माइनस थ्री प्लस फोर आयोटा, माइनस थ्री प्लस फोर आयोटा। इसका कॉन्जुगेट फाइंड करना है, तो माइनस थ्री प्लस फोर आयोटा, तो इसके ऊपर क्या लगा देंगे, बार लगा देंगे। तो इसे हम पढ़ेंगे कॉन्जुगेट ऑफ माइनस थ्री प्लस फोर आयोटा, क्या पढ़ेंगे, कॉन्जुगेट ऑफ माइनस थ्री प्लस फोर आयोटा। तो कैसे फाइंड करना है, आयोटा के साथ जो साइन है वो चेंज करना है, आयोटा के साथ फोर है, फोर का साइन क्या है, प्लस है, इसका माइनस कर देंगे, इसका साइन चेंज नहीं करना। जो पहला नंबर है जिसका आयोटा नहीं है उसका साइन चेंज नहीं करना, बल्कि आयोटा के साथ जो नंबर है उसका साइन चेंज करना है। आयोटा के साथ नंबर फोर है, फोर का साइन प्लस है, तो इसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, ये माइनस थ्री वैसे ही आ जाएगा, माइनस थ्री माइनस फोर आयोटा। तो ये बन गया कॉन्जुगेट ऑफ माइनस थ्री प्लस फोर आयोटा। उसके बाद पाँचवा पार्ट है, तो पाँचवा पार्ट क्या है, माइनस फोर माइनस आयोटा, यह नंबर दिया हुआ है, कंप्लेक्स नंबर है जिसमें आयोटा जो वाला कंप्लेक्स नंबर होता है। तो इसका आपने कॉन्जुगेट फाइंड करना है, तो माइनस फोर माइनस आयोटा, इसके बाद बार लगा देंगे, तो इसको पढ़ेंगे कॉन्जुगेट ऑफ माइनस फोर माइनस आयोटा। तो कैसे करेंगे, ये माइनस फोर इसके साथ आयोटा नहीं, इसका साइन चेंज नहीं करना, आयोटा के साथ माइनस है तो इसका साइन चेंज कर देंगे, ये वाला प्लस हो जाएगा, यह माइनस फोर वैसे ही आ जाएगा माइनस फोर, तो आयोटा वाला हिस्सा इसका साइन प्लस हो गया, ये आ गया कॉन्जुगेट ऑफ माइनस फोर माइनस आयोटा। फिर छठा पार्ट है इसका, इसी क्वेश्चन का छठा पार्ट है। तो क्या है, आयोटा माइनस थ्री, आयोटा माइनस थ्री, इसका आपने फाइंड करना है कॉन्जुगेट। तो आयोटा माइनस थ्री के ऊपर बार लगा देंगे, तो इसका कॉन्जुगेट फाइंड करना है। तो किसका आपने साइन चेंज करना है, आयोटा का, किसका साइन चेंज करना है, आयोटा का। आयोटा पहले लिखा हुआ है, आयोटा जहाँ मर्जी लिखा हुआ, चाहे पहले लिखा हो चाहे बाद में लिखा हो, साइन आपने आयोटा के चेंज करना है। आयोटा इसमें पहले लिखा हुआ है, तो आपने आयोटा का साइन, आयोटा का साइन शुरू में क्या है, प्लस है, इसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, थ्री का साइन चेंज नहीं करना है, आयोटा वाले हिस्से का साइन चेंज करना होता है।
तो माइनस एटा माइनस थ्री। सिर्फ आपने ये याद रखना है एटा जहाँ मर्जी हो, चाहे पहले हो चाहे बाद में हो, आपने हमेशा जब कॉन्जुगेट फाइन करना है तो एटा का साइन चेंज करना है। ये प्लस एटा है तो क्या आ जाएगा, माइनस एटा माइनस थ्री वैसे ही आ जाएगा क्योंकि इसका साथ एटा नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर टू के सारे पार्ट आपने निकाल लिए हैं, इसके बाद करते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री। तो क्वेश्चन नंबर थ्री में वो क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर थ्री है तो क्या लिखा, राइट रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। राइट करना है राइट रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। राइट रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स आर द फॉलोइंग नंबर्स। राइट रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स आर द फॉलोइंग नंबर्स। तो नंबर आपको दिए हुए हैं, इसके पार्ट हैं, छह पार्ट हैं। इसके तो नंबर आपको क्या दिया हुआ है, ये नंबर आपको दिया हुआ है, नंबर है वन प्लस एटा। नंबर क्या है, वन प्लस एटा। इसका आपने रियल पार्ट लिखना है, रियल पार्ट नंबर का आपने रियल पार्ट लिखना, फिर इमेजिनरी पार्ट लिखना है। तो पहला पार्ट है, फर्स्ट पार्ट क्या नंबर दिया, कम्प्लेक्स नंबर है वन प्लस एटा। ये कम्प्लेक्स नंबर है वन प्लस एटा, तो इसका आपने बताना है इसका रियल पार्ट क्या होगा, वन प्लस एटा का रियल पार्ट क्या होगा, वन प्लस एटा का इमेजिनरी पार्ट क्या होगा। तो रियल पार्ट क्या होता है, जिसके साथ एटा नहीं होता वो रियल पार्ट होता है, जिसके साथ एटा नहीं होता वो वाला रियल पार्ट होता है। तो वन के साथ एटा नहीं है, वन के साथ एटा नहीं है, तो इसका मतलब कि जो वन प्लस एटा है इसका रियल पार्ट क्या होगा, वन। कम्प्लेक्स नंबर में, कम्प्लेक्स नंबर के दो हिस्से होते हैं, कम्प्लेक्स नंबर के दो हिस्से होते हैं, तो एक हिस्से के साथ एटा नहीं होता, दूसरे हिस्से के साथ एटा होता है। तो जिसके साथ एटा नहीं होता वो रियल पार्ट होता है, जिसके साथ एटा नहीं होता वो वाला रियल पार्ट होता है। एटा का मतलब होता है वन एटा, एटा मीन्स वन एटा, एटा मीन्स वन एटा। तो इसका जो इमेजिनरी पार्ट है वो क्या होगा, वन। इमेजिनरी पार्ट में हमने एटा नहीं लिखना, इमेजिनरी पार्ट में हमने एटा नहीं लिखना, बल्कि एटा के साथ जो नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है वो लिखना है। इमेजिनरी पार्ट में आपने एटा नहीं लिखना, बल्कि एटा के साथ जो नंबर मल्टीप्लाई हो रहा होता है वो हमने लिखना होता है। एटा मीन्स वन एटा, तो इसका इमेजिनरी पार्ट क्या होगा, वन। दूसरा कम्प्लेक्स नंबर है माइनस वन प्लस टू एटा। सेकंड पार्ट है, कम्प्लेक्स नंबर है माइनस वन प्लस टू एटा, तो इसका हमने रियल पार्ट लिखना है। रियल पार्ट क्या होता है, जिसके साथ एटा नहीं है। रियल पार्ट कौन सा होता है, जिसके साथ एटा नहीं है। तो माइनस वन के साथ एटा नहीं है, तो इस कम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट क्या है, माइनस वन। इस कम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट क्या है, माइनस वन। और इस कम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट क्या कौन सा है, जो एटा के साथ जो नंबर लिखा होता है, एटा के साथ कौन सा नंबर लिखा हुआ है, प्लस टू। एटा के साथ कौन सा नंबर लिखा हुआ है, प्लस टू। तो प्लस टू इसका इमेजिनरी पार्ट है, प्लस टू इसका इमेजिनरी पार्ट है। थर्ड पार्ट है माइनस थ्री एटा प्लस टू। थर्ड पार्ट है माइनस थ्री एटा प्लस टू, तो इसमें एटा से पहले लिख दिया हुआ है। तो माइनस थ्री एटा प्लस टू, तो इसका हमने रियल पार्ट लिखना है। तो हमने याद क्या रखना है, रियल पार्ट कौन सा होता है, जिसके साथ एटा नहीं होता। तो किसका एटा, इसके साथ एटा है, इसके साथ टू के साथ एटा नहीं है, टू के साथ एटा नहीं है, इसलिए टू इसका रियल पार्ट होगा। जिसके साथ एटा नहीं है वो रियल पार्ट होगा, टू के साथ एटा नहीं है तो टू रियल पार्ट है। तो एटा के साथ क्या है, माइनस थ्री। एटा के साथ क्या है, माइनस थ्री, तो इसका इमेजिनरी पार्ट क्या होगा, माइनस थ्री। इमेजिनरी पार्ट क्या होगा, माइनस थ्री। इमेजिनरी पार्ट में आपने सिर्फ माइनस थ्री लिखना, एटा नहीं लिखना। जब भी आपने इमेजिनरी पार्ट लिखना उसमें एटा के साथ जो नंबर लिखा है वो लिखना, एटा नहीं लिखना, यही हमेशा आपने याद रखना है। फोर्थ पार्ट है माइनस टू, माइनस टू एटा। तो ये कम्प्लेक्स नंबर है, इसका आपने रियल पार्ट लिखना है। रियल पार्ट कौन सा होता है, जिसके साथ एटा नहीं है। ये वाला जो माइनस टू है इसके साथ एटा नहीं है, तो रियल पार्ट क्या हो जाएगा, माइनस टू। तो इमेजिनरी पार्ट कैसे लिखते हैं, एटा के साथ कौन सा नंबर है, माइनस टू। एटा के साथ कौन सा नंबर है, माइनस टू, इसका इमेजिनरी पार्ट भी माइनस टू हो जाएगा, इसका इमेजिनरी पार्ट भी माइनस टू हो जाएगा। फिर पाँचवा पार्ट है माइनस थ्री एटा।
पाँचवा पार्ट क्या है, माइनस थ्री एवटा। तो रियल पार्ट जिसका हमने लिखना है तो उसमें कोई भी नंबर नहीं है जिसके साथ एवटा ना हो, इसके साथ इसमें कोई भी नंबर नहीं है जिसके साथ एवटा ना हो, तो कोई भी नंबर इसका मतलब इसका जो रियल पार्ट है वो क्या होगा, जीरो। माइनस थ्री एवटा में शुरू में जो रियल पार्ट है वो है ही नहीं है, कोई भी नंबर नहीं है जिसके साथ एवटा ना हो, इसका मतलब है इसका जो रियल पार्ट है वो क्या होगा, जीरो। इमेजिनरी पार्ट में क्या लिखेंगे, एवटा के साथ माइनस थ्री है तो माइनस थ्री इसका इमेजिनरी पार्ट है, एवटा के साथ माइनस थ्री है तो माइनस थ्री इसका इमेजिनरी पार्ट है। तो छठा पार्ट है टू प्लस जीरो एवटा, टू प्लस जीरो एवटा ये लिखा हुआ है। तो रियल पार्ट इसका कौन सा होगा, टू, इसलिए कि टू के साथ एवटा नहीं है, टू के साथ एवटा नहीं है तो टू इसका रियल पार्ट है, टू के साथ एवटा नहीं है, टू इसका एवटा के साथ क्या है, जीरो, एवटा के साथ क्या है, जीरो, तो इसका इमेजिनरी पार्ट क्या हो जाएगा, जीरो। तो क्वेश्चन नंबर थ्री हमने कंप्लीट कर लिया, उम्मीद है कि आपको इसकी बहुत अच्छी तरह समझ आ गई होगी। तो क्वेश्चन नंबर फोर, क्वेश्चन नंबर फोर है तो फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, फाइंड द वैल्यू ऑफ एस एंड वाई, एस एंड वाई की वैल्यू फाइंड करनी है इफ, तो एस प्लस आयोटा वाई इज इक्वल टू, सॉरी, एस प्लस एटा वाई प्लस वन, एस प्लस एटा वाई प्लस वन इज इक्वल टू फोर माइनस थ्री एटा, फोर माइनस थ्री एटा। सोल्यूशन इसका, तो एस प्लस एटा वाई प्लस वन इज इक्वल टू फोर माइनस थ्री एटा। सोल्यूशन इसका, एस प्लस एटा वाई प्लस वन इज इक्वल टू फोर माइनस थ्री एटा, यानी इक्वेशन दी हुई है, इक्वेशन की पहचान क्या होती है, उसमें इक्वल टू होता है, इक्वेशन की पहचान क्या होती है, उसमें इक्वल टू होता है। तो इक्वेशन दी हुई है, आपने इसमें से एस और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसमें इसको हम क्यों करेंगे, अरेंज करेंगे, एस के साथ वन लिख लेंगे, क्या लिखेंगे, एस प्लस वन, एस प्लस वन प्लस एटा वाई इज इक्वल, इसको हमने अरेंज कर लिया, एस के साथ वन लिख दिया, एस प्लस वन फिर प्लस एटा वाई इज इक्वल टू फोर माइनस थ्री एटा, फोर माइनस थ्री आयोटा, ये हमने इक्वेशन लिख दी है। अब इसमें जो एस प्लस वन है इसके साथ आयोटा नहीं है, इस राइट लेफ्ट हैंड साइड में एस प्लस वन के साथ आयोटा नहीं है, इसका जो एस प्लस वन है इसका रियल पार्ट है, लेफ्ट हैंड साइड में एस प्लस वन के साथ आयोटा नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ, जो एस प्लस वन है इस लेफ्ट हैंड साइड का रियल पार्ट है, और राइट हैंड साइड का रियल पार्ट क्या है, फोर, लेफ्ट हैंड साइड का रियल पार्ट एस प्लस वन है और राइट हैंड साइड का रियल पार्ट फोर है। तो रियल जब दो कम्प्लेक्स नंबर इक्वल हों, जब दो कम ये भी कम्प्लेक्स नंबर है लेफ्ट हैंड साइड भी एक कम्प्लेक्स नंबर, इसी किस्में आयोटा मौजूद है, राइट हैंड साइड भी एक कम्प्लेक्स नंबर इसी किस्में आयोटा मौजूद है, दरमियान में इक्वल टू का साइन है, तो जब दो कम्प्लेक्स नंबर इक्वल हों, जब दो कम्प्लेक्स नंबर इक्वल है इसका मतलब होता है कि जो पहला कम्प्लेक्स नंबर है उसका रियल पार्ट दूसरे कम्प्लेक्स नंबर के रियल पार्ट के इक्वल होगा। तो क्या लिख देंगे, एस प्लस वन, क्या लिख देंगे, एस प्लस वन इज इक्वल टू फोर, मैं इसके रियल पार्ट को हमने इसके रियल पार्ट के इक्वल कर दिया, इस तरह इसका जो एटा वाई का इमेजिनरी पार्ट है इसके इमेजिनरी पार्ट के इक्वल होगा, जिसका इस कम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट क्या है, एटा के साथ जो नंबर है वो क्या है, वाई है, तो जो लेफ्ट हैंड साइड है उसका इमेजिनरी पार्ट क्या है, वाई, यह किसके इक्वल होगा, राइट हैंड साइड के इमेजिनरी पार्ट के, तो राइट हैंड साइड का इमेजिनरी पार्ट क्या है, माइनस थ्री, तो वाई इक्वल क्या आ जाएगा, माइनस थ्री, तो एस प्लस वन है प्लस वन को इधर लेंगे तो क्या है, माइनस हो जाएगा, तो एस इक्वल टू फोर माइनस वन, प्लस वन था जब इसकी साइड चेंज करेंगे इधर आकर माइनस वन हो जाएगा, तो एस इक्वल टू फोर माइनस वन कितना हो जाएगा, थ्री, तो एस की वैल्यू थ्री आ गई, तो वाई की वैल्यू माइनस थ्री। तो सिंपली आपको इक्वेशन दी हुई है, आपने क्या करना है, एस को वन को आपने एस के साथ लिख लेना है, अरेंज कर लेना, एस प्लस वन प्लस एटा वाई इज इक्वल टू फोर माइनस थ्री एटा। अब लेफ्ट हैंड साइड का रियल पार्ट एस प्लस वन है, इसको इक्वल कर देंगे राइट हैंड साइड के रियल पार्ट के साथ, एक राइट हैंड साइड का रियल पार्ट फोर है, एस प्लस वन को इक्वल कर देंगे फोर के, तो वन को इधर ले आएंगे, प्लस वन इधर का माइनस होगा, एस इक्वल फोर माइनस वन थ्री, एस इक्वल थ्री आएगी। इस तरह वाई के वैल्यू फाइंड करनी है, तो आयोटा के साथ यहाँ पर वाई है, यहाँ पर आयोटा के साथ माइनस थ्री है, तो इमेजिनरी पार्ट इसका वाई है, इसका इमेजिनरी पार्ट माइनस थ्री है, इमेजिनरी पार्ट को हम इक्वल कर देंगे, वाई को इक्वल कर देंगे माइनस थ्री के साथ, तो यहाँ से डायरेक्ट वाई की वैल्यू आ जाएगी। उम्मीद है कि आपको इस क्वेश्चन की भी बड़ी अच्छी तरह समझ आ गई। तो
ऐसे से 2.5 कंप्लीट हो गई है, इसके सारे पार्ट हम निकाल लिए हैं। उम्मीद है कि आपको इस ऐसे से की बड़ी अच्छी तरह समझ आ गई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो नेक्स्ट वीडियो को देखते रहिए ताकि आपको मैथ की समझ आती रहे। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम करेंगे एक्सरसाइज 2.6। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।